अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको श्रग की स्टिचिंग सिखाऊंगी। कटिंग की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अब मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये मैंने ऊपर इसकी जो योक कटिंग की थी, इसके आपने देख लेंगे सीधी साइड जो है, ये सीधी साइड रखनी है, ठीक है। ये पीछे वाली साइड है इसकी, ये, और ये इसकी आगे वाली साइड है। सीधी साइड के ऊपर आपने सीधी साइड रखनी है, मैं देख लूँ, ठीक है। ये तो ये आपने रख लेंगे, ये हमारी गर्दन साइड की, तो ये इस तरह आ जाएगा ऐसे, सीधी साइड के ऊपर आपने सीधी साइड रखनी, सीधी की, ठीक। ऐसे हमने ये जोड़ लेना, इसको एक साइड पहले जोड़ लेते हैं इस तरह से, जैसे आप आम कमीज की स्टिचिंग करते हैं वैसे इसको आप स्टिच कर लें। और ये फुट पैडल भी मैं आपको आज चलाना सिखाऊंगी। ये मैंने टेबल को उसके ऊपर पीढ़ी के ऊपर रखा, थोड़ा ऊपर करके पाँव रखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा आप लोगों को नज़र आना चाहिए। थोड़ा सा आपने पाँव रखना इसे आहिस्ता से, फ्राई खत्म ही छोड़ दें, अब यहाँ से, ठीक है। एक साइड जुड़ गई, अब दूसरी साइड में मैं उसी स्टिच उसी फ्लाई ये रखा मैंने बराबर, इसी के ऊपर मैंने ये लिया, एक से डेढ़ पाउंड के आपने इसको, इसकी सिलाई में डबल कर लेती हूँ, क्योंकि सिलाई निकले ना, एक से सिलाई निकल जाती है, दोबारा सिलाई लगा लेती हूँ। हल्का सा आपने पाउंड रखना फुट पैडल के ऊपर, आहिस्ता से चलाना उसे, जब सिलाई खत्म हो जाए पाउंड खा लें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इसे चलाना, ठीक है। सिलाई में डबल लगा रही हूँ, इस तरह भी डबल कर लेंगे आप, होगा भी आप होगा, ठीक है। ये साइड मैंने जोड़ लिया, अब आप लोग चाहें तो ये वाली ऊपर वाली जो इसकी चेस्ट है वो अलहदा मतलब फिटिंग कर सकते हैं, उसके बाद नीचे वाली साइड जोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको सेपरेट भी जोड़ सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने पीछे नीचे जो शर्ट कटिंग किया था वो जोड़ने साथ, ये जो हमने शर्ट कटिंग किया था, ये हमारी पीछे वाली साइड है और ये हमारी आगे वाली साइड है, इसको हम पहले जोड़ लें तो उसके साथ हम पिटी के साथ बाद में फिटिंग करके उसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसकी मैं आपको फिटिंग करके बता देती हूँ, ये मैंने स्टिचिंग की सिलाई लगा ली आगे वाली साइड को आगे वाली साइड से जोड़ के, तो फिटिंग की मैंने बताया था, मैंने पहले ही कपड़ा पूरा पूरा रखा हुआ है, हाफ इंच में मैं सिलाई रखूँगी, ठीक है। नहीं मैंने सिलाई लगा के मैं ऊपर वाली साइड अलहदा बना लेती हूँ, नीचे वाली अलहदा बना के फिर उसको साथ अटैच कर दूँगी, ठीक है। ये मैंने रखा हुआ था हाफ इंच का मार्जिन, अगर आप चाहें तो यहाँ से इंच से इसको माप के इसके ऊपर नीचे बना हुआ, तो ये देखिए कंधा मैंने रखी है 8 इंच, यहाँ पर मैंने रखी है तकरीबन 8 इंच, यहाँ पर मेरा 8 इंच आ रहा है, जितना मैंने छोड़ा हुआ था उतना ही, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पर इसकी फिटिंग कर लूँगी, फिटिंग पे भी आपने पक्का कर लेना, पक्का आपने लाजमी कर लेना। नेट इजीली सिलाई हो रही है, नेट की ये मुलायम होती है, इजीली स्टिच हो जाती है, और आपने एंड से भी यहाँ से इसी तरह दूसरी साइड की भी फिटिंग कर लेंगे, माप ले लें या फिर ऐसे कर लें। मैं एक स्टेप इसलिए बताती हूँ कि आपको इजी समझ आ जाए, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन ये है कि स्टेप कोई रह जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है समझने की, ये पता नहीं कैसे लग गया और ये कैसे लग गया, ठीक है। ये भी तकरीबन इतना ही आ रहा 8 इंच पर, जितना मैंने 1/2 इंच छोड़ा था उतना ही आ रहा, इसका भी साइड से मैं पक्का कर लूँगी। सिलाई निकल जाए तो फिर वो सारा दोबारा उसको खोल के सिलाई करना,
ये मैं खोल के आपको बता देती हूँ कि ये हमारी ऊपर वाली जो चेस्ट थी वो हमने स्टिच कर ली है, और इसके साथ हम अटैच करेंगे। बाजू मैं आपको लगाना बता दूँगी, इसके बाजू सेपरेट लगाने हैं, इसके साथ मैंने नहीं अटैच किए। वैसे भी लग जाते हैं, लेकिन ये है कि दोनों तरीक़ों से मैं आपको बताऊँगी, इस तरीके से भी बता दूँगी, और नेक्स्ट अगर कभी मैंने अपलोड की हुई तो फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूँगी। ये हमारी स्टिच हो गई है ऊपर वाली साइड, ठीक है, ऊपर वाली साइड का मतलब आपको। अब ये नीचे वाली जो साइड थी इसका घेर था वो सीधी साइड से सीधी साइड में लानी है, ठीक है। इस तरह से ये देखना अपनी ये कोना और ये कोना मिलना चाहिए, ठीक है। जो छोटी साइड होती है वो फ्रंट पे आएगी, तो इसको अब मैं स्टिच करके बता देती हूँ आपको। ये एक साइड से आपने स्टिच करना है, इसको करके फिर आपने दूसरी साइड से स्टिच करना है, उसके बाद आपने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। वेरी इजी है ये, ये देखिए फूट पैडल की तरफ आपने ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा मैंने चलाया और फिर मैंने, ठीक है। अब ये कपड़ा रखते हैं हमें, आपने अपने हिसाब से चलाना, मैं वैसे ये स्टिच कर दिया है, एक साइड पर ये तोड़ गई, फिर दूसरी साइड तोड़ गई। इसका भी पक्का वाला नहीं था, थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ फूट पैडल, इसलिए थोड़ा मुझे चलाना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी मैंने कहा आप लोगों ने कहा हुआ तो मैं बता रही थी कैसे इसको यूज़ करते हैं। और जब आपने कपड़ा फेरना है तो आपने देखना है सुई जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए, बाहर होगी ना फिर आपका जो टांका मांग, ठीक है, फिर सिलाई ठीक ही लगेगी। तो ये मैंने सिलाई लगाई है पट्टी जोड़ने के बाद। अब हम इस पट्टी को हमने सीधा करना है, ताकि ये जो सिलाई है ना ये वाली, ये सिलाई हमें नजर ना आए। अब इस पट्टी को हम ऐसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो इस सिलाई के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये कपड़ा अंदर आ जाए और इसकी अच्छी से सफाई से ये पट्टी लग जाए। ये देखें, ये मैंने स्टार्ट किया, ये वाली जो सिलाई हमने लगाई हुई है ना, इस सिलाई वाला जो कपड़ा है वो अंदर लेंगे और दूसरे कपड़े के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इस साइड से लेनी है और ऊपर से होते हुए हमने पूरी ये पट्टी लगानी है, ठीक है। ये मैं स्टार्ट कर दी मैंने पट्टी लगानी, मैं आपको बाजू जोड़ना सिखाऊंगी, फिर हमारा शर्ट कंप्लीट हो जाएगा अगर टाइम मिला तो। वैसे वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो मैं कहती चले कोई मसला नहीं, एक एक स्टेप मैं समझाऊं ताकि आप लोगों को मुश्किल कोई ना हो। और फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ये पट्टी कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बाजू स्टिच करना बताऊंगी, तो हमारा शर्ट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी भी है ये, मैंने तो एक एक स्टेप आपको बता के समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ से मैं समझ नहीं आई, तो मैं हो सकेगा तो आपको ज़रूर बताऊँ। ये पट्टी हमारी लग गई है। अब पट्टी लगाने के बाद मैं आपको बाजू अटैच करना बताऊंगी, बाजू स्टिच कर, स्टिच तो मैंने कटिंग तो बता दी थी आपको। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसके साथ, ये देखिए ये हमारा कंधा है,
तो इसके साथ मैं बाजू ये अटैच करना बताऊंगी, ये इसके साथ अलहदा बाजू अटैच होते हैं और साथ भी अटैच होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल मैं आपको ये इसके साथ जो अलहदा से बाजू अटैच करते हैं वो बताऊंगी, और अगर नेक्स्ट कभी कोई वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको जो साथ बाजू अटैच करते हैं, दो तरीके होते हैं बाजू अटैच करने के, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। इसके साथ जितना ये इसकी फिटिंग है उतना हम माप लेंगे इस बाजू का जो हमने अटैच करना है। ये मैंने इसके ऊपर लैस लगाई है, वो भी ऐसे लैस लगाई है, इसका ऐसे फोल्ड करना ठीक है। तो इस बाजू का हम माप लेंगे जितनी फिटिंग, वैसे तो कट का निशान लगाना चाहिए, ये नेट है इस पर मैंने नहीं लगाया, आम जो कपड़ा होता है उसके ऊपर मैं कट का निशान लगाती हूँ फिर मापना नहीं पड़ता। ये देखें ये इसका ऊपर से कंधा है, यहाँ से लेकर हम पूरा पूरा बाजू माप लेंगे इसका जितनी फिटिंग आ रही है। ये देखो ये फिटिंग आ रही है इसकी, तो यहाँ पे मैं स्टिच यहाँ पे बाजू स्टिच कर लूँगी और बाद में बाजू को मैं साथ अटैच कर दूँगी। एक पाउंड का मैं एक इंच का छोड़ती हूँ, मैंने हाथ के हिसाब से रखा होता है कितना कपड़ा मैंने अंदर छोड़ना होता है, आप क्या निशान लगा सकते हैं। ये बाजू स्टिच हो जाएगा, इसके बाद मैं बाजू को ज़्यादा अटैच कर लूँगी और फिर नीचे जो लैस लगानी है वो मैं लगा के तो फिर मैं आपको बता दूँगी पूरा श्रग सुई आपने इसके अंदर रख के फिर कपड़े को मोड़ना, ऐसे नहीं मोड़ना, फिर सुई अंदर और पक्का कर लेंगे। पक्का हो गया, अब हम ये बाजू निकाल लेंगे। ये बाजू निकाल लिए, इसके बाद इस बाजू को मैं श्रग के साथ अटैच करके आपको बाजू जोड़ना सिखाऊंगी। ये देखिए ये है हमारा श्रग, तो ये इसकी सीधी साइड है, हम इसको उल्टा करेंगे, ये उल्टी साइड है और अंदर इसकी क्या है सीधी साइड। इसका मतलब है कि सीधी साइड के साथ जब सीधी साइड जुड़ती है तो हम बाजू को क्या करेंगे सीधा करेंगे, सीधा बाजू किया, सीधा करने के बाद बाजू को इसके अंदर डालेंगे इस पे ऐसे, ये पूरा बाजू अंदर किया, अब क्या हो गया सीधा बाजू और ये अंदर इसकी क्या है सीधी साइड, सीधी साइड क्या होगी सीधी साइड के साथ मिल गई और इस सिलाई को हम ऐसे मैच करेंगे ये ठीक है। तो इसको हम जैसे अम्ब्रेला जोड़ते हैं वैसे हम इसको जोड़ लेंगे और सिंपल बाजू अटैच हो गया। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका जो उसमें पहले बाजू जोड़ा जाता है उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाई जाती है, वो भी मैं आपको बता दूँगी। अब क्या करना है हमने ये देखना है सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए ठीक है, ये वाला कपड़ा अंदर को और ये वाला कपड़ा ऊपर साइड को, ये सिलाई आ गई इसी तरह से। ये ऐसे ही पूरा कपड़ा है बाजू ठीक है, ये सेंटर का मैंने कट लगाया हुआ है। नीचे मैं तो लैस लगाऊंगी, अगर आपने लैस लगानी है लैस लगा लें, ऐसे ही फोल्ड करना है कपड़े को, जैसे भी फोल्ड करना, जैसे मैंने बाजू में लैस लगाई है ना वैसे ही मैं इसके जितना घेर है श्रग का वो सारे घेर के ऊपर मैं लैस लगाई। ये बाजू अटैच हो गया, अब मैं आपको ये बाजू सीधा कर दूँगा, ये उल्टी साइड है ये इसकी सीधी साइड है, ये बाजू अटैच हो गया ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी अटैच कर लेंगे ठीक है। दूसरा बाजू अटैच करने के बाद ये मैं लैस लेके आई हूँ, ये लैस यही लैस मैंने बाजू पे लगाई है और यही लैस मैं अब नीचे श्रग के नीचे लगाऊंगी, आप लोगों की मर्जी है सिंपल फोल्ड करें या लैस लगाएं। मैं आपको स्टार्ट बताती हूँ, ये वाला कपड़ा अलहदा सिलाई लगाने से बेहतर है कि मैं ऐसे कपड़े को उल्टा फोल्ड करें और इसके ऊपर ऐसे लैस लगूँ,
डबल सिलाई लगेगी तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे मैंने रखा ऊपर लैस को, मैं ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि उधर से तैयार है हमारी साइड, तो इस वजह से मैं फोल्ड करके लैस रखती हूँ ताकि ये निकले। ठीक है, यहाँ से मैं इसका स्टार्ट लूँगी। कपड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए जल्दी नहीं खींचेगी ये मशीन इसको। ठीक है, ठीक है, इसको पक्का करना है और एक सिलाई मैं इस साइड पर लगाऊँगी ताकि इस साइड से ये नीचे से कपड़ा नजर आए। ठीक है जी, और लैस भी स्टिचों के साथ, ये मैंने साथ तक ही कर दी लैस। सिलाई आई थी नहीं लगी तो मैं दोबारा सिलाई लगा देती हूँ। ये मैं साइड से सिलाई लगा दी ताकि लैस निकले ना, साइड से ना निकले। अब मैं साइड से सिलाई शुरू करूँगी इसकी। आपने जब सिलाई धागा खींच के सिलाई शुरू करनी है, आपने धागा थोड़ा सा और खींच देना ताकि सिलाई निकले ना। ठीक है, स्टिच करना शुरू किया जल्दी नहीं, कपड़ा मोटा हो गया। अब देखें ये जो कपड़ा है इसको हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और ऊपर लैस रख के हम सिलाई लगाते जाएंगे। बस सिंपल काम। ठीक है, इसी तरह से ये पूरे श्रग पे मैं लैस लगाऊंगी, फिर मैं आपको कंप्लीट श्रग में आपको चेक करवाती हूँ। फोल्ड ना करें पहले, कच्ची सिलाई लगा लें कि कहीं सिलाई आगे पीछे ना हो जाए। वो वैसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे आपको इजी लगता है तो आप ऐसे सिलाई दोनों कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। लैस लगाने के बाद मैं आपको पूरा जो त्यौहार है श्रग वो मैं बताती हूँ आपको। आपने फोल्ड करके ऊपर लैस लगा देनी है। अनहरा से फोल्ड करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल लगे कि अनहरा से आपको लगाना मुश्किल हो रहा है तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही आप फोल्ड करते हैं। और यहाँ से हम इसको थोड़ा फोल्ड करें, बिल्कुल भी कपड़ा बाहर को नहीं निकलेगा ना ही ये ख़राब हो। अब एंड पे आगे हमने क्या करना है, थोड़ी सी लैस बढ़ा के हमने काटनी है, जैसे उधर से अंदर को फोल्ड करके की है ना सिलाई, इतनी सी लैस एक्स्ट्रा करके हमने काटनी। अब ये जो एक्स्ट्रा लैस है उसको हम अंदर को ऐसे फोल्ड करेंगे पूरी पूरी रख के। ठीक, मोटा होगा इस वजह से मशीन जो है ज़रा। ये जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इसको अब मैं फोल्ड करूँगी। इसको ऐसे फोल्ड किया, लास्ट में जाकर बस सुई अंदर रहने देंगे। इसको हमने क्या करना है, ऐसे सीधा रख के हमारी लैस। अब मैं आपको ये रख के बताती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा श्रग रेडी हो गया बिल्कुल। इसी तरह से आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।